आज मैं बात करने वाला हूँ उस व्यक्ति की जिसने इस देश को शर्मसार कर दिया, जिसने किसान आंदोलन के नाम पर इस देश में खूब उपद्रव किया, खूब दंगा किया, खूब नंगी नाच नाचा। और क्या बयान देता था वो व्यक्ति, बक्कल तार दूंगा बक्कल। किसके ऊपर तारेगा बक्कल? ये सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सुरक्षा बलों के ऊपर। ये वही राकेश टिकैत है जो जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंचा था, जिसका लोगों ने भारी इसका विरोध किया। लेकिन बात यही थी कि देश के उस शेर का अंतिम पल था, इसीलिए लोगों ने उसे जाने दिया। और विरोध इसका इस बात से हो रहा था कि जो व्यक्ति लाल किले पर चढ़ करके ट्रैक्टर लेकर के तलवारें लेकर के सेना और पुलिस वालों पर हमले करवा रहा था, 26 जनवरी का वो दिन जब तिरंगे को अपमानित किया गया, ये किसान के रूप में तो आया था लेकिन उस आंदोलन में भेड़िए खालिस्तानियों को भी इकट्ठा कर लिया था। देशद्रोही गैंग और खालिस्तानी गैंग को भी इस व्यक्ति ने उसमें शामिल करके किसान आंदोलन के नाम पर खूब नंगी नाच किया। सेना का वो जवान जो तिरंगे की शान के लिए अपनी जान दे देता है, जब बिपिन रावत उस तिरंगे में लिपटे हुए थे तब उनको उस श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंचा था। सोचिए, जो व्यक्ति खुलेआम तिरंगे का अपमान करता हो, जो व्यक्ति तिरंगे को तार तार कर देता हो, तिरंगे को नीचे गिरा देता हो, तिरंगे को अपमानित करके खालिस्तानियों के झंडे लगवाता हो, क्या वो व्यक्ति देश के किसी भी सेना को श्रद्धांजलि देने के लायक है? दरअसल व्यक्ति श्रद्धांजलि देने नहीं बल्कि फोटो खिंचवाने गया था। इसको एक लंबे समय से आदत लग गई है फोटो खिंचवाने, नेता बनने और अपना चेहरा चमकाने की, इससे ज्यादा इसको कुछ नहीं है। किसानों के नाम पर सिर्फ मीडिया में बने रहना, इंटरव्यू देना, टिकैत 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 के नारे लगवाना, इससे ज्यादा इसके पास कुछ है ही नहीं। जब इसने 26 जनवरी के दिन इसके गुंडों ने, खालिस्तानी गुंडों ने, मैं बात कह रहा हूं कि जब 26 जनवरी के दिन खालिस्तानी गुर्गों ने किसान आंदोलन की आड़ में पुलिस वालों पर तलवारों से हमला किया था, तब ये व्यक्ति पुलिस वालों को ये कह रहा था कि ये तो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। यानी इसकी नजर में देश की रक्षा करने वाला, चाहे पुलिस हो चाहे सेना का जवान, वो बीजेपी और आरएसएस का आदमी हो जाता है और उनके ऊपर एक खुलेआम ट्रैक्टर दौड़ाता है, तिरंगे का अपमान करवाता है और बोलता है कि ये तो सब कुछ बीजेपी के लोग कर रहे थे। जिस आदमी ने किसान आंदोलन की आड़ में जिहादियों और खालिस्तानियों का साथ लिया हो, जिस व्यक्ति ने खालिस्तानियों का समर्थन में देश में नंगी नाच किया हो, किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रव मचाया हो, क्या वो व्यक्ति जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लायक है? सबको पता है कि इस व्यक्ति को वहां तक जाने नहीं देना चाहिए था, लेकिन बात वही है कि देश के उस वीर सपूत का अंतिम पल था, ताकि तमाशा ना बने इसीलिए लोगों ने उसको कुछ नहीं कहा। जो व्यक्ति सेनाओं का अपमान किया, जो व्यक्ति ने पुलिस वालों पर हमले करवाए, जो व्यक्ति ने तिरंगे का अपमान किया हो, क्या वो व्यक्ति किसी सेना को श्रद्धांजलि दे सकता है? उसकी श्रद्धांजलि से देश के शहीदों का अपमान होता है और कुछ नहीं। टिकैत कोई किसान नहीं, इसको सिर्फ नेता बनने की होड़ लगी थी और देश के लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे। कुछ लोग जो पिछड़े इलाकों में रहते हैं या गांव इलाकों में रहते हैं या फिर जो लोग राजनीति से संबंध नहीं रखते हैं, शायद वो लोग इसकी बातों को नहीं समझ पाए और किसान आंदोलन के नाम पर इसने देश के कोने कोने से मासूम और जो राजनीति से संबंध नहीं रखते हैं भोले भाले लोगों को ला करके इस किसान आंदोलन के नाम पर इसने सिस्टम को हाईजैक किया, देश के हाईवे को बंद किया, एम्बुलेंस के जाने का रास्ता तक रोक लिया। ऐसा व्यक्ति नाटक करता है श्रद्धांजलि देने का, और देश के राष्ट्रवादी लोगों में, सेना के सम्मान करने वाले लोगों में इस व्यक्ति के खिलाफ इतना गुस्सा था कि जब ये व्यक्ति वहां पर पहुंचा तो लोगों ने इसके विरोध के लिए इसको घेर लिया। ये उस तरह का व्यक्ति है जिस तरीके से दीमक
जिस लकड़ी में लगता है उसे ही खा जाता है। ये देश में भी किसी दीमक से कम नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ नेता बनने की चाह थी और कुछ नहीं। इस व्यक्ति ने क्या नहीं किया, दंगे करवाए, रोड बंद करवाए, हिंसा करवाया, पुलिस वालों पर, सुरक्षा बलों पर पथराव करवाया, लाठियां चलवाया, तलवार चलवाया और अब किसान बनने का नाटक कर रहा है। एक आम इंसान बनने का नाटक कर रहा है। देश इसको कभी माफ नहीं करेगा। इस धरने जिसके धरने में खालिस्तानी आते हो और खालिस्तानी नारे लगाते हो, खालिस्तानी कपड़े पहनकर घूमते हो, उनको ये बुला करके पार्टी करवाता है, पिज्जा दारू मुर्गा चलता हो, वो व्यक्ति सेना के आसपास भटकने का लायक भी नहीं है। एकैत की चाल को पूरा देश समझ चुका है। इसको लोग उस तरीके समझ गए हैं कि जिस तरीके से सड़ी हुई मछली। वाकई इंसान तो लोगों ने बहुत देखा, लेकिन ऐसा इंसान जो अपने ही देश को सिर्फ और सिर्फ एक कुछ पार्टियों के द्वारा प्रोपोगेंडा चलाया जाए और नेता बनाने के लालच में ये सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्टियों के सारे पर पैसे लेकर के नंगी नाच नाचने का काम किया। भाई तुम्हें किसी पार्टी का विरोध करना है करो, लेकिन उस पार्टी का विरोध करते करते तुम्हें बीजेपी का विरोध करना है, मोदी का विरोध करना है करो, लेकिन तुम बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते कब सेना के विरोधी बन गए तुम्हें यह भी मालूम नहीं पड़ा। ये वही शख्स है जो आंदोलन किसानों के नाम पर करता था और ये कहता था कि 370 कौम वापस लाएंगे। 370 हटा करके सेना और सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों पर अत्याचार किया है। अरे ठीक है, जिस धारा 370 की आड़ में शहीदों पर, सेनाओं पर अत्याचार हुए और हमारे देश के न जाने कितने सैनिक इस धारा 370 की आड़ में कश्मीर की रक्षा करते करते, जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दे दिए। ठीक है, उस धारा 370 को दोबारा लागू करने की बात करता है। सोचिए इस व्यक्ति को, बनता किसान है लेकिन देश के आतंकवादी और गद्दारों की भाषा बोलने से पीछे नहीं हटता है। सेना के जवान जिस देश की सरहदों की रक्षा के लिए तिरंगे में लिपट कर आते हैं, ठीक है, उन्हीं सेनाओं के पराक्रम और शौर्य पर सवाल उठाता है और जिहादियों और गद्दारों वाली भाषा का समर्थन करता है और दोबारा 370 लागू करने की बात करता है। इस व्यक्ति की मानसिकता क्या है देश अच्छी तरह से समझ चुका है और मैं चाहता हूं कि जो हमारे मासूम इस देश के लोग हैं वो ना सिर्फ इसकी बातों में आए बल्कि इसके असली रूप को भी देखें कि जो किसान यूनियन था इसको किसान आंदोलन से धक्के मार के बाहर कर दिया है। जो किसान यूनियन था इसको किसान आंदोलन से धक्के मार करके बाहर कर दिया है और ये व्यक्ति अब कहीं का नहीं रहा, नेता बनने चला था और नर्क में चला गया और इसका यही हाल होगा। आप चिंता मत कीजिए, इस व्यक्ति ने जो अत्याचार किया है देश की सुरक्षा बलों के साथ, किसान बनने का जो नाटक किया है इसका हर्जाना इसको भुगतना पड़ेगा। कानून अपना काम करेगा। जितने भी रायट्स हुए, हमारे पुलिस के जवानों को चोट आई, सुरक्षा बलों को चोट आई, विकलांग हुए, अपाहिज हुए, उसका हिसाब तो कानून के तहत इसको देना ही पड़ेगा। अब ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ घूम के नाटक करेगा सेना के जवानों के नाम पर और फोटो खिंचवाने का काम कर। अब इसको कहीं स्थान मिला ही नहीं, किसान यूनियन ने इसको अलग कर दिया है, ये किसी काम का रहा नहीं, नेता बन नहीं सकता, सपने इसके ध्वस्त हो गए। अब इसको आदत लग गई है फोटो खिंचवाने वाली, अब कहां से वो दलाल मीडिया के पास जाए जो इसके मन की बातें करे, जो इसका दोबारा से इंटरव्यू ले, इसका फोटो खींचे और इसको हीरो बनाए। और मैं चाहता हूं कि आपको इस व्यक्ति की सच्चाई सुन करके आपको भी शांति मिली होगी और आप भी महसूस कर रहे होंगे कैसे व्यक्तियों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। ये वो दीमक हैं जिस लकड़ी में रहते हैं उसी को खा जाते हैं और ये भी देश के दीमक हैं, देश के खालिस्तानी गैंग का ही समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आने की जरूरत है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम।